लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी बोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदरसी तो कर ली थी किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में चार पैसे होते आराम से जीवन व्यतीत होता यहां तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं पंद्रह रुपए देखने को मिलते हैं वो भी इधर आए उधर गायब न खाने का सुख न पहनने का आराम हमसे तो मजूर ही भले पंडित जी के पड़ोस में दो महाशय और रहते थे एक ठाकुर अतिबल सिंह वो थाने में हेड कांस्टेबल थे दूसरे मुंशी बैजनाथ वो तहसील में सियाहे नवीस थे इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था तब भी उनकी चैन से गुजरती थी संध्या को कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते दोनों आदमियों के पास टहलुए थे घर में कुर्सियां मेज़ें फर्श आदि सामग्रियां मौजूद थी ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते सारे मोहल्ले में उनका रोबदाब था उन दोनों महाशय को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते उनके लिए बाजार में अलग भाव था चार पैसे की चीज टके में लाते लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते वो लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था तिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी ये लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे कभी शेर आध शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियां किंतु इसके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के दो और मुंशी जी के तीन लड़कों की निगरानी करनी पड़ती ठाकुर साहब कहते पंडित जी ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं जरा इनकी खबर लेते रहिए मुंशी जी कहते ये लड़के आवारा हुए जाते हैं ज़रा इनका ख्याल रखिए ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीत से कही जाती थी मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं पंडित जी को ये व्यवहार असह्य था किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते कभी अचार चटनी चख लेते केवल इतना ही नहीं बाजार से चीजें भी सस्ती लाते इसलिए बेचारे इस अनीत को विष के घूंट के समान पीते इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए प्रार्थना पत्र लिखे अफसरों की खुशामदें की पर आशा पूरी न हुई अंत में हार कर बैठ रहे हाँ इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते ठीक समय पर जाते देर करके आते मन लगाकर पढ़ाते इससे उनके अफसर लोग खुश थे साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते किंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है बड़े भाग्य से हाथ लगती है बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे कोई उनके घर आकर पानी भर देता कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता पंडित जी इसी को बहुत समझते थे एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की दूर की यात्रा थी हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगीं बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन थी किंतु स्त्रियां किसी भांति भी न मानती थी अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने एक एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं पंडित जी असमंजस में पड़े परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर न रुक सके बिल्हौर से एक बजे रात को गाड़ी छूटती थी ये लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई हजारों यात्री जा रहे थे उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे एक कमरे में बैठे इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल चार मनुष्य थे वो सब लेटे हुए थे ठाकुर साहब चाहते थे कि वो उठ जाए तो जगह निकल आए उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा उठ बैठो जी देखते नहीं हम लोग खड़े हैं मुसाफिर लेटे लेटे बोला क्यों उठ बैठे जी कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है ठाकुर क्या हमने किराया नहीं दिया है मुसाफिर जिसे किराया दिया हो उससे जाकर मांगो ठाकुर जरा होश की बातें करो इस डब्बे में दस यात्रियों के बैठने की आज्ञा है मुसाफिर ये थाना नहीं है जरा जमान संभाल कर बातें कीजिए ठाकुर तुम कौन हो जी मुसाफिर हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोसी का अपराध लगाया था और जिसके द्वार से आप नकद पच्चीस रुपए लेकर टले थे ठाकुर अहा अब पहचाना परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते मुसाफिर और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की कि गाड़ी में खड़ा रहने दिया ढकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और बोला क्यों दारोगा साहब मुझे क्यों नहीं उठाते ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे सोचते थे अगर थाने में होता तो इनकी जबान खींच लेता पर इस समय बुरे फंसे थे वो बलवान मनुष्य थे पर ये दोनों मनुष्य भी कट्टे देख पड़ते थे ठाकुर संदूक नीचे रख दो बस जगह हो जाए दूसरा मुसाफिर आप यही क्यों ना नीचे बैठ जाए इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है यह थाना थोड़ी ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा क्या तुम्हें तो भी मुझसे कोई बैर है जी हां मैं तो आपके खून का प्यासा हूं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी दूसरा मुसाफिर आपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए मैं चुपचाप तमाशा देखता था पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल लिया मैं चुप रह गया पर घाव दिल पर लगा हुआ है आज उसकी दवा मिलेगी ये कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठा उठाकर जमीन पर फेंक दिया जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी जाकर गाड़ी में बैठ गए उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी सारी रात जागते गुजारी जरा पैर फैलाने की जगह न थी आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे फल ये हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े चाहते थे कि किसी भांति लेट जाए पर वहां पैर हिलाने की भी जगह न थी लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया आगे चलकर विवश हो गए एक स्टेशन पर उतर पड़े प्लेटफॉर्म पर लेट गए पत्नी भी घबराई बच्चों को लेकर उतर पड़ी असबाब उतारा परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई गाड़ी चल दी दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े समझ गए कि हज़रत आज ज्यादा चढ़ा गए देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी ज्वर पेट में दर्द नसों में तनाव कै और दस्त बड़ा खटका हुआ स्टेशन मास्टर ने ये हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है हुक्म दिया रोगी को अभी बाहर ले जाओ विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा लाए उनकी पत्नी रोने लगी हकीम डॉक्टर की तलाश हुई पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ़ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है लोगों की जान में जान आई किसी से ये भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिलहौर के रहने वाले हैं ढांढस बंधा दारोगा जी अस्पताल दौड़े डॉक्टर साहब से सारा समाचार सुनाया और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए डॉक्टर का नाम था चोखेलाल कंपाउंडर थे लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले सवेरे के समय मुझे बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं है दारोगा तो क्या मुंशी जी को यहीं लाए चोखेलाल हां आपका जी चाहे लाइए दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए ज्यों ही बरामदे में पैर रखा चोखेलाल ने डांट कर कहा हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है बैजनाथ अचेत तो थे नहीं आवाज सुनी पहचाना धीरे से बोले अरे ये तो बिलहौर ही के हैं भला सा नाम है तहसील में आया जाया करते हैं क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं चोखिलाल जी हाँ खूब पहचानता हूं बैजनाथ पहचान कर भी इतनी निठुरता मेरी जान निकल रही है जरा देखिए मुझे क्या हो गया है चोखिलाल हां ये सब कर दूंगा और मेरा काम ही क्या है फीस दारोगा अस्पताल में कैसी फीस जनाब मन चोखिलाल वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन दारोगा जी आप क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता चोखेलाल मेरा घर बिलहौर में है वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है साल में दो बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं नादू तो शाम तक खड़ा रहना पड़े स्याहा ना हो फिर जनाब कभी गाड़ी नाव ना पर कभी नाव गाड़ी पर मेरी फीस दस रुपए निकालिए देखूं, दवा दूं, तो अपनी राह लीजिए दारोगा दस रुपए? चोखिलाल, जी हाँ और यहां ठहरना चाहे तो दस रुपए रोज दारोगा जी विवश हो गए बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे तब उसे अपने बक्स की याद आई छाती पीट ली दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे पर किसी तरह दस रुपये निकालकर चोखीलाल को दिए उन्होंने दवा दी दिन भर कुछ फायदा न हुआ रात को दशा संभली दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई मुंशियाइन का एक गहना जो बीस रुपये से कम करना था बाजार में बेचा गया तब काम चला शाम तक मुंशी जी चंगे हुए रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियां दी श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई पंडों के घर जगह न थी घर घर आदमी भरे हुए थे सारी बस्ती छान मारी पर कहीं ठिकाना न मिला अंत में ये निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे इतने में बादल खिर आए बूंदे गिरने लगी, बिजली चमकने लगी गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे लड़के रोते थे स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे अब यहां ठहरना दुस्सह था पर जाए कहाँ अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया वो निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई किंतु ये विचार न आया कि कहाँ देखा है पास जाकर बोले क्यों भाई साहब यहां यात्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी वो मनुष्य रुक गया पंडित जी की ओर ध्यान से देख कर बोला आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं पंडित जी प्रसन्न होकर बोले झिया आप मुझे कैसे जानते हैं उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुई और बोला मैं आपका पुराना शिष्यू मेरा नाम कृपाशंकर है मेरे पिता कुछ दिनों बिलहौर में डाक मुंशी रहे थे उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था पंडित जी की स्मृति जागी बोले ओहो तुम ही हो कृपाशंकर तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे कोई आठ नौ साल हुए होंगे कृपाशंकर जी हां नवा साल था मैंने वहां से आकर एंट्रेंस पास किया अब यहां म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूं कहिए आप तो अच्छी तरह रहे सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए पंडित जी मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं कृपाशंकर उनका तो देहांत हो गया माता साथ हैं आप यहां कब आए पंडित आज ही आया हूं पंडों के घर जगह ना मिली विवश होकर यहीं रात काटने की ठहरी कृपाशंकर बाल बच्चे भी साथ हैं पंडित जी नहीं मैं तो अकेले ही आया हूं पर मेरे साथ दारोगा जी और सियाह नवीस साहब हैं उनके बाल बच्चे भी साथ हैं कृपाशंकर कुल कितने मनुष्य होंगे पंडित है तो दस किंतु तो थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे कृपाशंकर नहीं साहब बहुत सी जगह लीजिए मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है चलिए आराम से एक दो तीन दिन रहिए मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए असबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया साफ सुथरा घर था नौकर ने चट पर चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगीं कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग तो खा पी कर सोए किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की लूट खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई ये लोग तीन दिन अयोध्या रहे किसी बात का कष्ट न हुआ कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो स्टेशन तक पहुंचाने आया जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी बोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में